हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कितनी देर तक वैलिड रहेगा, सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी रहेगी, तो आइए पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स आइए, ये आप UGC नेट की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, हाँ फ्रेंड्स देखिए, ये कॉलम नंबर जो 8 है, हाउ लॉन्ग विल द रिजल्ट अवार्ड ऑफ UGC नेट जून 2019 बी वैलिड, यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कब तक वैलिड है। देखिए, फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर इज 3 ईयर्स। यानी कि जो आपको JRF अगर आप क्लियर कर जाते हो, UGC नेट जब आपने डाला, जो आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, तो उसकी वैलिडिटी, ठीक है, उसकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए कि यानी कि आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको कहीं पे एडमिशन लेना होगा PhD में, तो या MPhil में, PhD कहीं पे भी, तो ये 3 साल तक वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करते हो तो वो लाइफ टाइम वैलिड है, अगर आप JRF करते हो तो वो आपके लिए 3 साल तक वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 ईयर। ठीक है, आपको इसमें MPhil या PhD एडमिशन लेना होगा। अगर 3 साल आप के ख़त्म हो जाते हैं तो 3 साल के बाद आपका JRF का जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे रही ये नॉलेज, आप ये बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।